नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का अगर एग्ज़ाम डेट की बात किया जाए बच्चों, ये पेपर अगस्त 2022 में इसका फॉर्म निकला था और आज मई 2023 चल रहा है। लगभग एक साल होने को है लेकिन इसके एग्ज़ाम की कोई डेट पता नहीं है। और निश्चित रूप से जो आपकी समस्या है मैं उसे गंभीरता से लेता हूं कि आपके जो फ़ोन कॉल्स हैं, आपके जो मैसेज हैं, जो आपकी व्याकुलता है उसको मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि एक साल हो जाने के बाद भी जिसमें एक ऐसी वैकेंसी जो क्लियर होती है कि हाँ भाई यहाँ पे अगर पेपर हो जाए, नौकरी लग जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति या हमारा जो जीवन है जो अनस्टेबल सा हो रखा है वो थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। और आखिर हम कब तक पढ़ते रहेंगे, कब तक ऐसे इंतज़ार करते रहेंगे। देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का अब तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था लेकिन कुछ समस्याओं के चलते, वो समस्याएं भी आप पर जैसे हम लोगों के बीच में कुछ अभ्यर्थी होते हैं उनके चलते ही उठ जाती है। अचानक से जाके कुछ अपनी याचिकाएं दे देती हैं, गवर्नमेंट भी उसमें उलझ जाता है, शासन भी उलझ जाता है और शासन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या फिर आयोग को ऐसा लगता है एक बहाना सा चाहिए कि कहीं भी कोई भी केस आए तो उसके चलते हम चीज़ों को टरका दें। हालांकि टरकाना मुझे लगता है कि एक हल नहीं है, आज नहीं तो कल आपको परीक्षा करानी ही है और जब परीक्षा करानी है तो क्यों ना समय से करा लिया जाए। ये भावना पता नहीं क्यों आयोग के अंदर डेवलप नहीं होती। और मैं उत्तर प्रदेश के सारे आयोग की बात करूंगा, यूपी ट्रिपल एस सी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो या फिर कोई अन्य आयोग हो, सब में ये ढीलापन जो है ये हमेशा रहता है। लेकिन चलिए, निराशा के बीच में आपको इतना बता दूं कि अभी तो चुनाव के वो चल रहे हैं, समय चल रहे हैं और ये एक, हालांकि इससे कुछ लेना देना नहीं है आयोग को इस वाले चुनाव से, इतने छोटे स्तर के चुनाव से, क्योंकि यूपीपीएससी इसी बीच में जब आपका चुनाव है उसी बीच में पेपर कंडक्ट करा रहा है तो आयोग का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भले उनका लेना देना नहीं है बट वो बहाना इसे चुनाव को लेकर अभी कुछ नहीं करेंगे। हालांकि इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग की बात हो रही थी कि तब ये बात तभी क्लियर हो पाएगी जब इसकी अर्हता को लेकर मुद्दा जो हो पाएगा क्लियर हो पाएगा। अब रही बात अर्हता को लेकर मुद्दा है क्या, मुद्दा आप सभी लोग जानते हो कि कुछ यहाँ पे बीएससी होम साइंस या होम साइंस को लेकर या 2 साल और 3 साल को लेकर इस बार समाज कार्य जो सोशोलॉजी जो होता है विषय उसको लेके यहाँ पे अर्हताओं को लेके बात चली थी, याचिकाएं दायर होती और उसके कारण से इस एग्जाम में स्टे लग गया था, शॉर्ट लिस्टिंग में स्टे लग गया था क्योंकि जब तक वो अर्हता नहीं डिसाइड होगी तब तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की जाएगी। इसको लेके शासन का रुख ये है कि वो जो पहले नियमावली था उसी नियमावली से काम करेगा, नई नियमावली यहाँ पे निकालना नहीं चाहेगा। तो अगर इस पे काम हो रहा है तो हो सकता है आने वाले 15 से 20 दिन में आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि अभी इधर कोई खबर थी नहीं, कोई भी अपडेट नहीं था, एग्ज़ाम होना नहीं था तो नो डाउट आपकी पढ़ाई भी बाधित हुई है। मैं आपको इतना बोलूँगा बच्चों की पढ़ाई बाधित तो ज़रूर हुई है लेकिन इसे फिर से कंटिन्यू करिए, एक हिम्मत रखिए। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि इसमें मुख्य सेविका में कंपटीशन कम है, कम क्या है, जीरो है। केवल महिलाओं का पद है स्पेशल इसमें एलिजिबिलिटी और स्पेशल एलिजिबिलिटी केवल महिलाओं का पद, इतने पहली बार ऐसा बोल सकते हो कि अधीनस्थ के थ्रू पहली बार ये वैकेंसी हो रही है। तो इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग का कट ऑफ जाएगा वो 10 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये बात तो आप लिख के रख लो, है ना। जनरल का जो मैं कट ऑफ बता दूँ कि जिनके भी पीईटी में मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पीईटी, क्योंकि ये 2021 से आया था तो पीईटी 2021 में जिनके भी 10 प्लस मार्क्स हैं, इवन 10 के इर्द गिर्द भी हैं, वो सभी लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि शॉर्टलिस्टिंग का चक्कर मत करो, 10 या 10 के ऊपर नंबर हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखो। लेकिन अब कैसे तैयारी जारी रखना है, हम कितना पढ़ें, चलो मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मत करो कि आप दिन के 8-8, 9-9 घंटे पढ़ो, कोई बात नहीं, आपने जितना पढ़ लिया मोर देन सफिशियंट है। आप परीक्षा प्लस के कोर्स से जुड़े हो, नहीं जुड़े हो तो भी मैं आपको बता दूं, जो भी नोट्स है आप उन नोट्स को दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दो, क्लासेस को एक बार दोबारा से अब धीरे धीरे वार्म अप करना शुरू कर दो क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया है उस चीज को। अब आप क्या करो, उसको 2x की स्पीड 3x की स्पीड में आप उसे रिवाइज करना शुरू कर दो। हम आपके लिए क्या करेंगे कि आपको वीक में 1 से 2 दिन 1-2 डेज में इसका टेस्ट लेते रहेंगे, टेस्ट आपका चालू कर देंगे। ये टेस्ट अगर हो पाएगा तो हम लोग परीक्षा प्लस ऐप पे ही करवा लेंगे, वरना आपका YouTube परीक्षा प्लस YouTube चैनल पे, मतलब जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, परीक्षा प्लस YouTube चैनल पे ही सैटरडे ऑब्लिक संडे जब भी होगा एक हम आपको निर्धारित समय बता देंगे, प्रायर नोटिस बता देंगे। और इसका जो समय होगा ये 7 PM ही होगा, 7 बजे, ठीक है ना, 7 PM पे क्या करवा देंगे, टेस्ट करवा देंगे। तो वीकली टेस्ट होता रहेगा तो कम से कम आप उससे जुड़े रहोगे, जो चीज़ें आप भूलने लगे हो, 100 टॉपिक था, 100 टॉपिक की तैयारी आपकी चलती रहे ताकि अगर पेपर की डेट, आप देखो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है,
पेपर कितना ही पेपर बनना है, मैं ये भी बता दूं, पेपर ऊपर वो सब काम हो चुका है, ठीक है, पेपर ऊपर बनने वाला काम सब कुछ हो चुका है। अब जो काम है वो केवल शॉर्टलिस्टिंग होगी, एग्जाम डेट डिसाइड होगी, जल्दी जल्दी एग्जाम करा लेने का है। तो उसमें हो सकता है हार्डली 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है, या हो सकता है 3 महीने भी लग जाए, लेकिन चलो जितना भी आपके पास समय होगा उसमें हम केवल रिविजन और टेस्ट के बदौलत अपने नंबर को एनहेंस करते चलेंगे। क्योंकि एक चीज़ समझना, जितना सब समय मिला है तो समय सारे बच्चों को बराबर मिला है, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने लगातार तैयारी की है, तो भले ही यहाँ पे पीटी का कट ऑफ 10 जाएगा, कम जाएगा, लेकिन समय इतना मिल गया है कि हो सकता है पेपर आसान आ जाए तो आपका मुख्य सेविका का जो मेंस का पेपर है उसी का कट ऑफ हाई चला जाए। पद हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छी संख्या में पद हैं, 2500+ पद हैं, लेकिन अगर देखा जाए कंपटीशन अगर बढ़ जाएगा तो कट ऑफ वहां पे भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। बट फिर भी हम अपनी तैयारी को अभी से कंटिन्यू करेंगे, सैटरडे संडे में जैसा मैं आपको घोषणा करता हूँ इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग जो भी परीक्षा प्लस से जुड़े हो, वो भी नहीं जुड़े हो, वो भी जो भी आपका एक प्रोबेबल टाइम है जो आप हमसे चाहते हो कि सर इस टाइम पे रखा जाए, सैटरडे को रखा जाए या संडे को रखा जाए, दोनों में से वो भी टाइम बता दो, उस हिसाब से मैं मैक्सिमम जो पोल आएगा, मैक्सिमम जो आपके कमेंट्स होंगे उनके आधार पर एक टाइम डिसाइड करके आपको सूचित कर दूंगा। तो कमेंट करके आप मुझे बताइए जरूर कि सैटरडे या संडे में किस टाइम पर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। 7 PM मैं आपको बता रहा हूँ दिन आपको चूज कर लेना है, सैटरडे या संडे, उस हिसाब से मैं आपके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास लेके चलाऊंगा। चलिए इसमें बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।